मौसम बाहर की आमद का ऐलान है। सर्दी खत्म होने लगती है और फजा में आने वाले मौसम गर्मा की हरारत महसूस होने लगती है। दरख्तों पर हरी हरी कोंपलें और पौधों पर कलियां और फूल नमूदार होने लगते हैं। खेत और खास तौर से सरसों के खेत पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ता हद नजर पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है। बसंत का त्योहार दरअसल जरी त्योहार है। बसंत ऋतु फसलें पकने और उनके काटे जाने का पैगाम देता है। ये किसानों की मेहनत का फल आने का इशारा है। यूं तो बसंत का त्योहार बरसगीर में सदियों से मनाया जाता है, लेकिन अब से कोई 800 साल पहले दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से इस जरई त्योहार को शहरियों ने भी मनाना शुरू कर दिया और उनके चहीते मुरीद और मशहूर अवामी शायर ख्वाजा अमीर खुसरो ने बसंत ऋतु की तारीफ में गीत कहे जो आज तक मशहूर हैं। मुगलों के दौरे हुकूमत में ये त्योहार जश्न नवरोज की हैसियत से मनाया जाता था और इसको जश्न बहारा भी कहा जाता था। इस मौके पर बादशाह दरबार करता था, उसे नजरें पेश की जाती थीं और बादशाह लोगों को तोहफे देता था। जश्न नौरोज या जश्न बहारा के मौके पर शहरों में जुलूस निकलते थे और मौसीकी की महफिलें मुनक़िद होती थीं। पंजाब में इस त्योहार को मनाने का आगाज महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ और उस वक्त